नाग पंचमी का त्यौहार श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। आज के दिन पूजा अर्चना करने से और नियमों का पालन करके रहने से सर्प दंश का कोई भय नहीं रहता, इसीलिए सभी को यह पूजा करनी चाहिए और इसके नियमों का पालन करना चाहिए। आज का दिन विशेष रूप से जो नाग पंचमी कहा जाता है नागों के लिए समर्पित होता है, किसी भी तरीके से इनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। आज के दिन नागों को दूध अर्पित करने का विशेष नियम होता है, इसीलिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। आज के दिन जो चीज़ नहीं की जाती उनमें सबसे पहले तवा, लोहे का तवा और कढ़ाई ना ही चढ़ाया जाता है, ना ही इसमें कुछ भोजन बनाया जाता है। आज के दिन रोटियां नहीं बनाई जाती हैं, बहुत से लोग बासा भोजन भी आज के दिन करते हैं। आज के दिन जो विशेष रूप से चावल होता है, चावल को ना ही पकाया जाता है ना ही भोजन के रूप में उसे ग्रहण किया जाता है, और चावल से बनी हुई कोई भी व्यंजन है, कोई भी रेसिपी है, ना ही बनाई जाती है ना खाई जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि चावल किसी भी रूप में हो, व्यंजन के रूप में हो, उसका सेवन वर्जित होता है। साथ ही साथ आज के दिन लहसुन प्याज हो या मदिरा हो या किसी भी तरीके का तामसिक भोजन हो तो वह ग्रहण नहीं किया जाता है। आज के दिन ऐसा करने से नाग देवता नाराज हो जाते हैं। आप कोई भी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं इनको भी नहीं काटना चाहिए, इन्हें काटने से बचना चाहिए। यदि ज़्यादा ही अति आवश्यक हो, यदि आप इन्हें बनाना चाहते हैं तो बिना काटे आप इन्हें बना सकते हैं, लेकिन आज के दिन हरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं इनको काटने की मनाही होती है। भगवान शिव की आज के दिन पूजा आराधना की जाती है, सुबह के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं और विशेष रूप से उनको जो दूध होता है दूध अर्पित किया जाता है। शाम के समय नाग देवता को दूध अर्पित किया जाता है। जहाँ पर बामी होती है तो बामी पर या फिर मंदिर में किसी भी पात्र में हम दूध रखकर, दूध कच्चा होना चाहिए, ऐसा रखने से हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और नाग देवता की हम पर कृपा बनी रहती है। वीडियो कैसा लगा, यूजफुल थोड़ा सा भी लगा हो तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर रखें और चैनल आसान पल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।